75 दिनों में केंद्र की मोदी सरकार ने कई काम किए। पूरे सरकार के काम को छोड़िए, अकेले गृह मंत्री अमित शाह ने इन 72 दिनों में जितने ऐतिहासिक काम किए उसकी तारीफ देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली कांग्रेस इन 75 दिनों में एक अदद अध्यक्ष नहीं खोज पाई। खोजा भी क्या, अंतरिम अध्यक्ष, और वो भी सोनिया गांधी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 50 से भी कम सीटें मिली थी, तब सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष थी, और उसके बाद कांग्रेस की हार का लंबा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। आगे हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके तुरंत बाद दिल्ली और फिर बिहार। ये पांचों ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की हालत खस्ता है। सोनिया गांधी इन हालातों में क्या कर पाएंगी जब कांग्रेस फिलहाल आर्टिकल 370 पर भी एक राय नहीं बना पा रही। माना ये जा रहा है कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में यही मुद्दा सबसे आगे रहेगा। इस वजह से केजरीवाल ने बिना वक्त गंवाए मोदी सरकार का समर्थन कर दिया और ना ना करने के बाद नीतीश कुमार को भी हाँ करनी ही पड़ी। लेकिन जिस एक मुद्दे पर पूरी कांग्रेस दोफाड़ हो चुकी है, सांसद और नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर कांग्रेस को अपना स्टैंड जरा और साफ करना होगा। कांग्रेस का जो मौजूदा स्टैंड है, भुवनेश्वर कालित ने इस्तीफा देते हुए उसे आत्मघाती बताया था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।